जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका MLS न्यूज हिंदी में। तो दोस्तों, रसिया और इसराइल दोनों ही भारत के बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और हाल ही में हुए घटनाक्रम के बाद अब इन दोनों भारत के दोस्तों का आमने सामने आना तय है। इसराइल की अमेरिका के साथ दोस्ती और ईरान के साथ दुश्मनी तो जग जाहिर है, जिसके कारण मिडिल ईस्ट के देशों में तनाव बना रहता है। दोस्तों, कुछ महीने पहले ही ईरान ने ये ऐलान किया था कि अमेरिका अगर ईरान पर किसी भी प्रकार का हमला करता है तो ईरान का मेन टारगेट मिडिल ईस्ट में अमेरिका के दोस्त होंगे, जिन पर वह हमला करके बदला ले सकता है। और इसमें मुख्य तौर पर इसराइल, UAE और सऊदी अरेबिया शामिल हैं। और दोस्तों, अब अमेरिका के कारण पूरे मिडिल ईस्ट के देशों पर खतरे की घंटी बज चुकी है, क्योंकि हाल ही में यूनाइटेड नेशन में ईरान पर लगे हथियारों की खरीद के प्रतिबंध को अनिश्चित काल के लिए बढ़ाने की अमेरिका की प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। और इसका मतलब है कि अब ईरान किसी भी देश से हथियार खरीद सकता है। और इसीलिए दोस्तों, रसिया और चाइना बिना किसी रुकावट के ईरान को कोई भी हथियार बेच सकते हैं। ईरान ने पहले ही दोस्तों यह ऐलान कर दिया था कि वह रसिया से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम लेगा। और अब UNSC में अमेरिका के प्रस्ताव के खारिज होने के बाद रसिया जल्द ही ईरान को S-400 की डिलीवरी देगा। वैसे तो दोस्तों, रसिया और इसराइल के संबंध काफी अच्छे हैं, लेकिन रशिया की अर्थव्यवस्था पहले से ही नाजुक दौर से गुजर रही है और ये काफी हद तक हथियारों की बिक्री पर भी निर्भर करता है। ऐसे में रशिया ईरान को S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ना बेचने का सवाल ही पैदा नहीं होता, जिसकी वजह से ईरान और रशिया के बीच होने वाली यह डील अभी से ही अमेरिका और इसराइल के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। दरअसल कुछ दिनों पहले ये रिपोर्ट सामने आई थी कि टर्की ने रशिया से जो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदे हैं, उनकी टेस्टिंग में ये सामने आया है कि S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम अमेरिका के F-35 स्टेल्थ विमान को भी गिरा सकता है। इसराइल के प्रेसिडेंट बेंजामिन नेतन्याहू पहले ही ये ऐलान कर चुके हैं कि उनका एक ही मकसद है कि ईरान कभी भी न्यूक्लियर पावर ना बन पाए, लेकिन अब उनकी ये कोशिशों को रशिया ने बड़ा झटका देते हुए कहा है, अमेरिका चाहे जितनी भी कोशिशें कर ले, लेकिन वह ईरान को S-400 की डिलीवरी देकर ही रहेगा। जिसके बाद इसराइल की चिंता फिर से बढ़ चुकी है, क्योंकि रशिया का S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम दुनिया का सबसे एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम है और खतरनाक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जो कि दुनिया के किसी भी फाइटर जेट को डिटेक्ट करके मार गिरा सकता है। इसी के साथ दोस्तों, अमेरिका की खुफिया विभाग ने एक रिपोर्ट को जारी किया है, जिसमें यह दावा किया गया है कि रशिया ईरान को घातक T-90 टैंक और Sukhoi-30 बेचने की डील पर भी काम कर रहा है। ईरान द्वारा रशिया से खरीदे जाने वाले ये सभी हथियार पुख्ता तौर पर इसराइल के विरोधी होंगे, क्योंकि मिडिल ईस्ट में ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन ही इसराइल है। ऐसे में इसराइल और रशिया के संबंधों में खटास आना तय है और UNSC में इस प्रस्ताव के खारिज होने के बाद ही इसराइल ने तो ये ऐलान भी कर दिया था कि रशिया के S-400 से अपने S-35 विमानों को बचाने के लिए उसमें लगी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को वह फिर से अध्ययन करेगा और उसको और ज्यादा मजबूत बनाएगा। इसी के साथ ईरान भारत से ज्यादा चाइना की तरफ आकर्षित हो रहा है, जिसके मुख्य रूप से दो कारण हैं। पहला कि उसके भारत से विश्वास कम हो गया है और दूसरा, चाइना ने ईरान में $400 बिलियन का निवेश करने का ऐलान किया था, जिसके बाद ईरान चाइना को लुभाने में लगा हुआ है। वैसे आपको दोस्तों क्या लगता है कि भारत को कौन से देश का समर्थन करना चाहिए, ईरान या फिर इसराइल का? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।